स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल एक 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जो माउथ से लेकर एनस तक फैली हुई होती है। इसका फर्स्ट पार्ट माउथ होता है, देन ईसोफेगस, देन स्टोमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में एनस। इन सब से मिलकर बनती है एलिमेंट्री कैनाल। सेकंड है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होती हैं? एलिमेंट्री कैनाल से जुड़े हुए जो अदर ग्लैंड्स होती हैं, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डाइजेशन में हेल्प करती हैं, उन्हें हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। कौन कौन सी गैस्ट्रिक ग्लैंड है? माउथ में प्रेजेंट सैलाइवरी ग्लैंड्स जो सैलाइवा को रिलीज करती हैं, लीवर एंड पैनक्रियाज जो पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करती हैं, और ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डाइजेशन में हेल्प करती हैं। इन्हें हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन किस प्रकार से होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ह्यूमन है वो उनमें होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की फाइव स्टेप होती हैं। फर्स्ट स्टेप होता है इंजेशन, जिसमें फूड को इंटेक किया जाता है। सेकंड होता है डाइजेशन, जिसमें फूड का डाइजेशन होता है। थर्ड एब्जॉर्बेशन, जो फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। फोर्थ होता है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन में जो फूड मटेरियल एब्जॉर्ब किया गया है उससे सेल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। और लास्ट होता है इजेशन, जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार का होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग्स में पाया जाता है। स्टूडेंट्स, आप जैसे ही फूड मटेरियल को इंटेक करते हो, आपको अपने माउथ में एक वाटर लाइक फील होता है कि आपके माउथ में जैसे वाटर हो। एक्चुअली में ये वाटर नहीं, ये सैलाइवा होती है। इस सैलाइवा माउथ में प्रेजेंट सैलाइवरी ग्लैंड्स से रिलीज होती है। सैलाइवरी ग्लैंड से क्या रिलीज होती है? सैलाइवा। सैलाइवा में टू टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्पफुल होती हैं। फर्स्ट एंजाइम है एमाइलेज एंजाइम और सेकंड होता है टाइलिन एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम फूड में प्रेजेंट स्टार्च को सुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। साथ ही सैलाइवा जो होती है वो फूड मटेरियल को स्मूथ बना देती है, जिससे कि फूड आगे की तरफ पास हो सके। स्टूडेंट, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, इसकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो स्टार्टिंग माउथ से लेकर एनस तक होती है, इसकी जो वॉल होती है, इधर पर एक टाइप की मसल्स पाई जाती हैं। ये मसल्स कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंड होती रहती हैं और कॉन्ट्रैक्ट होती रहती हैं, जिससे कि फूड मटेरियल इजीली आगे की तरफ पास हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, अब माउथ के बाद फूड मटेरियल ईसोफेगस में आता है। ईसोफेगस की मसल्स के एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण फूड मटेरियल अब स्टोमक में आ जाता है। स्टोमक में 3 टाइप के जूस रिलीज होते हैं। ये 3 टाइप के जूस कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट HCl, सेकंड म्यूकस और थर्ड होता है पेप्सिन। जो म्यूकस होता है वो स्टोमक की वॉल को प्रोटेक्ट करके रखने का काम करता है, क्योंकि हमें पता है कि स्टोमक के अंदर HCl भी रिलीज होता है। इसलिए जो HCl होता है वो उसका मीडियम एसिडिक होता है, वो जो स्टोमक की इनर लाइनिंग है उस पर हार्मफुल इफेक्ट ना डाले, इसके कारण से म्यूकस जो है वो स्टोमक को प्रोटेक्ट करके रखने का काम करता है। और जो HCl एंजाइम होता है वो फूड मटेरियल का मीडियम एसिडिक कर देता है। फूड मटेरियल का मीडियम एसिडिक क्यों कर देता है? क्योंकि जब तक फूड एसिडिक मीडियम में नहीं रहेगा, तब तक फूड का डाइजेशन नहीं हो पाता है। तो फूड के डाइजेशन में HCl हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन फूड में प्रेजेंट होने वाले प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। स्टूडेंट्स, हमने इधर पर क्या देखा? जब माउथ में फूड था तो इसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ा गया था, पर अभी पूरे तरीके से फूड ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। अभी भी इसके कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनका डाइजेशन
वन बाय वन एलिमेंट्री कैनाल के एक एक पार्ट में होता है। तो इधर पर छोटे छोटे पीसेस में अभी कन्वर्ट हुआ था माउथ में, स्टोमक में जाकर जो छोटे छोटे पीसेस थे वो थोड़े और ज्यादा सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो फूड मटेरियल होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। इधर पर जो लॉन्ग इंटेस्टाइन दिख रही है इधर नहीं जाता है पहले, इधर से नीचे साइड एक ट्यूब जुड़ी हुई होती है। तो ये सबसे पहले कहाँ पर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन एक क्वाइल, लॉन्ग क्वाइल ट्यूब जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। ये बोलने के लिए स्मॉल होती है पर हमने बताया ये बहुत ज्यादा क्वाइल्ड है, इसके कारण इधर पर फूड ज्यादा टाइम तक के लिए रहता है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसमें ही फूड का सही तरीके से डाइजेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हमने क्या देखा, स्टोमक में आया फूड, स्टोमक में थ्री टाइप के जूस थे, HCl, म्यूकस और पेप्सिन। HCl ने फूड का जो मीडियम है उसको एसिडिक किया था, म्यूकस जो लाइनिंग होती है स्टोमक की उसको सेप करके रखने का काम करता है, और पेप्सिन एंजाइम फूड में प्रेजेंट होने वाले जो प्रोटीन्स होता है उसको पेप्टोन्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब इधर से स्टोमक के बाद फूड कहाँ पर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्टूडेंट्स आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जो फूड मटेरियल हम इंटेक करते हैं उसमें क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स होती हैं। इन्हीं न्यूट्रिएंट्स से हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ये कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक दैट कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, है ना। तो इनका क्या होना होता है, सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्जन होता होता है। जब तक ये सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं होंगे तब तक हमको एनर्जी कैसे मिलेगी, इसलिए इनका वन बाय वन डाइजेशन, वन बाय वन एक एक एलिमेंट्री कैनाल के एक एक पार्ट में हो रहा है वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। इधर पर क्या हुआ था, प्रोटीन अभी पेप्टोन्स में कन्वर्ट हुआ था। आगे का डाइजेशन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। अभी हमने आपको बताया था कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं वो इनडायरेक्टली क्या करती हैं, फूड के डाइजेशन में हेल्पफुल होती हैं। तो जैसे ही फूड कहाँ पर आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो जो ग्लैंड्स है लीवर ग्लैंड्स और पैनक्रियास ग्लैंड्स, इनसे भी कुछ टाइप के एंजाइम रिलीज होते हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इनसे रिलीज होने वाले एंजाइम कहाँ पर आकर मिल जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर मिल जाते हैं और फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो स्टूडेंट्स जो लीवर है उसका काम क्या होता है, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की। लीवर में वाइल गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर के अंदर वाइल डक्ट पाई जाती है, वाइल डक्ट से वाइल जूस रिलीज होता है। ये वाइल जूस में क्या होता है, सॉल्ट्स एंड कुछ पिगमेंट्स होते हैं, इनका काम इमल्सिफिकेशन होता है। इमल्सिफिकेशन करना मींस जो फैट के बड़े ड्रॉपलेट होते हैं उनको छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। और जो पैनक्रियास होता है उसमें भी क्या होते हैं, थ्री टाइप के एंजाइम रिलीज होते हैं उससे। फर्स्ट एंजाइम है एमाइलेज एंजाइम, सेकंड ट्रिप्सन, थर्ड लाइपेज। जो एमाइलेज एंजाइम होता है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। पेप्टोन्स जो होता है वो जो ट्रिप्सन एंजाइम होता है वो पेप्टोन्स को, पेप्टोन्स अभी इधर पर बना था, पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। और लाइपेज एंजाइम रिलीज होता है, लाइपेज एंजाइम फैट को एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम करता है। जो लाइपेज एंजाइम होता है वो फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम करता है। सो स्टूडेंट्स जो फूड मटेरियल होता है उसका कम्प्लीटली डाइजेशन इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है तो इधर पर इंटेस्टिनल जूस प्रेजेंट होते हैं। ये इंटेस्टिनल जूस प्रोटीन्स को एमिनो एसिड जो कि प्रोटीन्स का सिंपल फॉर्म होता है उसमें कन्वर्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है, और फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। साथ ही जो इंटेस्टाइन होती है इसमें छोटी छोटी ब्ली पाई जाती है, इन ब्ली के कारण ही क्या होता है, फूड मटेरियल का एब्जॉर्बेशन यहाँ पर ज्यादा टाइम के लिए होता है। फूड सबसे ज्यादा टाइम के लिए इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्टूडेंट जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका साइज अलग अलग एनिमल में उनकी फूड हैबिट के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। जैसे कि हर्बीवोरस, क्या होती है, काऊ होती है,
काउ ग्रास खाती है आपको पता है, और ग्रास में क्या होता है, ग्रीन होने के कारण सेल्यूलोस प्रेजेंट होता है, तो सेल्यूलोस के डाइजेशन के लिए क्या होता है, ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है काउ की वो बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है। इसके अलावा टाइगर, टाइगर की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका साइज छोटा होता है क्योंकि वो मीट खाता है और मीट का डाइजेशन होने में कम टाइम लगता है। तो स्टूडेंट्स इधर पर हमने बताया था आपको छोटी छोटी बिल्ली पाई जाती हैं जिसके कारण फूड का जो एब्जॉर्बेशन है इधर पर ज्यादा टाइम के लिए होता है। इसके अलावा ये जो विली होती हैं पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती हैं, ये ब्लड वेसल्स के साथ मिलकर जो न्यूट्रिएंट्स मटेरियल जो एब्जॉर्ब किया गया है उसको बॉडी के सारे पार्ट में भेजने का काम करती हैं, बॉडी के सारे पार्ट्स में भेजती हैं और हर एक सेल इनका यूज करती है और उससे आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के फॉर्म में क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिस एनर्जी का यूज हम अपने डेली जो भी काम करते हैं उसमें करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड मटेरियल, अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल, इधर से जो भी मटेरियल एब्जॉर्ब करना था वो कहां पर हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। अब क्या बचा है, अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल जो होता है वो कहां पर जाता है, लॉन्ग इंटेस्टाइन में जाता है ना। लॉन्ग इंटेस्टाइन में जब जाएगा तो इधर पर भी क्या होता है, बिली प्रेजेंट होती है, प्रोजेक्शन लाइक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, बिली बोला जाता है। जो एक्स्ट्रा वाटर जो रहता है वो एब्जॉर्ब करने का काम किसका रहता है, लॉन्ग इंटेस्टाइन का होता है। इसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है जिसका डाइजेशन नहीं हुआ है वो एनस के थ्रू बॉडी से एक्सक्रिएट कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हमने आज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा है, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज मुझे बताएं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।